राजूरा तहसील द्वारा पूरे तहसील में नैसर्गिक आपत्ति सप्ताह मनाया जा रहा है। लोगों में कला पतक पथनाट्य के माध्यम से जन जागरण किया जा रहा है। तहसील कार्यालय राजूरा द्वारा 12 अक्टूबर तक नैसर्गिक आपत्ति सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत पूरे तहसील क्षेत्र में कला पथक पथनाट्य के माध्यम से जन जागरण किया जा रहा है तथा हर स्कूल में रैली निबंध स्पर्धा के माध्यम से भी जन जागृति की जा रही है तथा नैसर्गिक आपत्ति के पीछे के कारण से सभी लोगों को अवगत कराया जा रहा है, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण पर्यावरण है और हमें पर्यावरण की रक्षा करना है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए नैसर्गिक आपत्ति सप्ताह के तहत राजूरा तहसील कार्यालय में पथ नाट्य के माध्यम से नैसर्गिक आपत्ति संबंधी जन जागरण किया गया। प्रस्तुत है इस जन जागरण के कुछ। इस मौके पर राजूरा तहसील के तहसीलदार रविंद्र होली ने विस्तार पूर्वक इस नैसर्गिक आपत्ति सप्ताह संबंधी जानकारी दी। 12 अक्टूबर पर्यंत नैसर्गिक आपत्ति सप्ताह तहसील कार्यालय राजूरा इथं साजरा करण्यात येत आहे। त्या अनुषंगानेच आज रोजी तहसील कार्यालय राजूरा इथं कलापथक व पठनाट्य यांच्याद्वारे जनजागृती व नैसर्गिक आपत्ती याच्या संदर्भात प्रबोधनात्मक कार्यक्रम घेण्यात आले। ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःमध्ये जो काही आमचा मेसेज होता नैसर्गिक आपत्तीबद्दल तो त्यांनी घेतलेला आहे। तसंच संपूर्ण सप्ताह प्रत्येक शाळा कॉलेजेसमध्ये या संदर्भात रॅली व विविध चित्रकला स्पर्धा निबंध स्पर्धा व असंच कलापथकांचं आयोजित करण्यात येणार आहे व नैसर्गिक आपत्तीबाबत संपूर्ण तालुक्यामध्ये एक जागृती करण्याचा आमचा मानस आहे। आणि क्लायमेट चेंजचं वातावरण सगळ्या जगभर चालू आहे, त्या अनुषंगाने सुद्धा हा एक आमच्याकडून एक छोटासा प्रयत्न आहे।